2017 में हम लोगों का राज्य सरकार ने प्रपोजल भेजा था 17,000 रुपये का, केंद्र सरकार ने उसको पास कर दिया था, बजट भी जारी कर दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से सरकार बदली और हम लोग राजनीति के शिकार हो गए। 17,000 का प्रपोजल पास होने के बाद भी हमको 17,000 नहीं मिल रहा था और हम लोग हाईकोर्ट गए, एकल बेंच ने हम लोगों के पक्ष में आदेश दिया, 17,000 रुपये 2017 से अब तक देने का आदेश दिया और 9% ब्याज के साथ देने का आदेश दिया, लेकिन सरकार दुर्भावनावश डबल बेंच में गई। डबल बेंच में पिछले कई महीनों से जद्दोजहद चल रहा था, एक महीने से तो काफ़ी बहस हुई और कल से आज तक लगातार बहस चल रही थी, कल 1 घंटे, आज 2 घंटे की बहस में लगभग सारे पक्षों का जो है सुन लिया गया और एजी साहब आए हुए थे सरकार की तरफ से, हम लोगों की तरफ से माननीय सीनियर के तौर पे एच एन सिंह साहब थे, दुर्गा तिवारी जी थी, बहुत अच्छी बहस हुई। अंतिम में बहस के लास्ट में एजी चीफ जस्टिस का मूड देख करके ये लग रहा था कि बहस पूरी तरह से हम लोगों के पक्ष में है, फैसला पूरी तरह से हम लोगों के पक्ष में जाएगा। भोलानाथ पांडे, इलाहाबाद, मुख्याची।